उपस्थित प्रदेश के लोकप्रिय अध्यक्ष श्रीमान बसंत पंडा जी, आपके लोकप्रिय नेता, केंद्रीय पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस के मंत्री माननीय धर्मेंद्र प्रधान जी, भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता श्रीमान विश्वभूषण हरिचंदन जी, वरिष्ठ नेता श्रीमान मनमोहन सामल जी, उपाध्यक्ष श्रीमान समीर मोहंती जी, माननीय विधायक डॉक्टर विभूति भूषण जी, वरिष्ठ नेत्री अपराजिता संगी जी, प्रदेश महामंत्री श्री पृथ्वीराज जी, भारतीय जनता पार्टी के सभी पदाधिकारीगण और आज के इस अस्ता भुवनेश्वर पुरी लोकसभा क्षेत्र से जुड़े हुए सभी भारतीय जनता पार्टी के अग्रिम मोर्चा के सभी सेनानीगण और उपस्थित भाइयों बहनों, इतनी भारी संख्या में आप सबकी उपस्थिति को देख करके मुझे अत्यंत प्रसन्नता की अनुभूति हो रही है। मैं आप सबका हृदय से अभिनंदन करता हूं। आपका उत्साह और आपकी उपस्थिति इस बात को साबित करती है। तो मैं समझ रहा था कि प्रयागराज उत्तर प्रदेश में कुंभ का आयोजन चल रहा है, लेकिन ये कार्यकर्ता महाकुंभ को देख करके मुझे और भी संतुष्टि हो रही है। कितनी भारी संख्या में उड़ीसा जैसे राज्य में भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता अगर शक्ति केंद्र प्रमुखों के कार्यक्रम में उपस्थित हो रहा है, तो मान करके चलिए कि 2019 में मोदी जी को पुनः प्रधानमंत्री बनाने में उड़ीसा अपनी पूरी भूमिका का निर्वहन करने जा रहा है और साथ ही साथ उड़ीसा के लिए 120 का जो लक्ष्य रखा गया है, इस लक्ष्य को भी आप जैसे कार्यकर्ता पूरा करेंगे, इसके लिए मैं आप सबका हृदय से अभिनंदन करता हूं। भाइयों बहनों, आज जब हम सब यहां पर इस पवित्र धरा पर भारतीय जनता पार्टी के मिशन 2019 के लिए बैठे हैं, वहीं इस देश का बहादुर जवान देश की सीमाओं की सुरक्षा जिस दृढ़ता के साथ कर रहे हैं, पुलवामा में हमारे 41 जवान शहीद हुए, उन सभी के प्रति विनम्र श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए, उन्हें नमन करते हुए, हम सबको इस संकल्प के साथ बंधना होगा कि आतंकवाद, नक्सलवाद, किसी भी प्रकार की अराजकता और भारत की सुरक्षा को कोई सुनिश्चित कर सकता है तो हम सबके यशस्वी नेता श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में ही भारत इस समस्या का समाधान कर सकता है। और आज सेना ने इस बात को कहा भी है कि कश्मीर में जो लोग वहां के निर्दोष नागरिकों और सेना और पुलिस के जवानों पर बंदूक तानेंगे, उन्हें केवल और केवल मौत मिलेगी, मौत के सिवाय कुछ नहीं मिलेगी। यह ऐलान आतंकवाद और आतंकवाद को प्रश्रय देने वाले तत्वों को भी कान खोल करके सुन लेना चाहिए। भारत आज श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व का भारत है, एक नया भारत जिसने एक संकल्प लिया है कि हम भारत में भ्रष्टाचार नहीं बढ़ने देंगे, हम भारत में अराजकता नहीं फैलने देंगे, हम भारत के अंदर आतंकवाद नहीं फैलने देंगे,
हम भारत के अंदर किसी भी प्रकार की अराजकता नहीं फैलने देंगे, लेकिन इन कार्यक्रमों को लागू करने के लिए जो मेहनत की आवश्यकता पड़ी वो आप सबके सामने है। याद करिए, आज से 4.5 वर्ष पहले जब मई 2014 में श्री नरेंद्र मोदी जी ने देश के प्रधानमंत्री के पद में शपथ लिया था, तब उन्होंने एक बात कही थी कि हमारी सरकार गांव, गरीब, किसान, नौजवान, महिलाएं और समाज के प्रत्येक तबके के हितों के लिए कार्य करेगी। मित्रों, इन 4.5 वर्ष के दौरान मोदी जी के नेतृत्व में आपके इसी उड़ीसा के सपूत और भारत सरकार के पेट्रोलियम मंत्री श्री धर्मेंद्र प्रधान जी ने 12 करोड़ से अधिक परिवारों को रसोई गैस के कनेक्शन उपलब्ध करवाए, एलपीजी के कनेक्शन उपलब्ध कराए। अगर आप आंकड़े देखेंगे तो 1947 से लेकर के 2014 तक इस देश में 13 करोड़ लोगों को रसोई गैस के कनेक्शन मिले और 2014 से 2018 तक मात्र 4 वर्ष में इस देश के अंदर 12 करोड़ परिवारों को रसोई गैस के कनेक्शन मिले और उनमें भी 6.5 करोड़ परिवारों को निःशुल्क रसोई गैस के कनेक्शन उपलब्ध कराए गए। प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना, जिसने एक गरीब के घर में भी रसोई गैस पहुंचा दी, सचमुच में प्रधानमंत्री मोदी जी का और उड़ीसा के सपूत आपके लोकप्रिय नेता श्री धर्मेंद्र प्रधान जी का हृदय से अभिनंदन करता हूं कि इन्होंने एक लोकप्रिय योजना देश को दी और लोगों की ईंधन की समस्या के समाधान के साथ ही उनके स्वास्थ्य की पुख्ता व्यवस्था भी की। आज जब हम देश के अंदर विकास की बात करते हैं, आजादी के बाद पहली बार हुआ है जब देश का कोई प्रधानमंत्री कहता है कि हर गरीब को आवास मिलना चाहिए, जब देश के प्रधानमंत्री के द्वारा एक घोषणा की जाती है कि स्वच्छ भारत मिशन में हर परिवार के पास एक शौचालय होना चाहिए, सौभाग्य योजना के अंतर्गत हर परिवार के पास अपना विद्युत का कनेक्शन होना चाहिए, इस परिवार देश के अंदर हर नौजवान के पास अपने रोजगार की सुविधा होनी चाहिए और इसके लिए उस प्रकार की योजनाएं घोषित करना, उन्हें आगे बढ़ाना, प्रभावी ढंग से लागू करना। जहां पर भारतीय जनता पार्टी की सरकारें हैं, केंद्र और प्रदेश मिलकर के इन योजनाओं को आगे बढ़ा रहा है, लेकिन जहां पर भारतीय जनता पार्टी की सरकारें नहीं हैं, वहां पर जनता के कल्याण के लिए आने वाली इन लोक कल्याणकारी योजनाओं को वहां की राज्य सरकारें लागू नहीं होने दे रही हैं। और यही कारण है कि स्वच्छ भारत मिशन में उत्तर प्रदेश के अंदर पिछले 2.25 वर्ष के दौरान उत्तर प्रदेश की भारतीय जनता पार्टी की हमारी सरकार ने 2.60 करोड़ परिवारों को एक एक शौचालय उपलब्ध कराया, लेकिन उड़ीसा पिछले 4 वर्ष के दौरान अपने पूरे नागरिकों को टॉयलेट नहीं उपलब्ध करा पाई है। प्रधानमंत्री आवास योजना की बात अगर आप देखें तो उड़ीसा के अंदर पिछले 19 वर्षों में केवल 17 लाख परिवारों को आवास मिल पाया और उत्तर प्रदेश के अंदर मात्र 2 वर्ष की भी समयावधि हमारी नहीं हुई है, लेकिन हम लोगों ने इस दौरान 20 लाख परिवारों को आवास उपलब्ध कराने का कार्य किया है, 1 करोड़ परिवारों को उत्तर प्रदेश में विद्युत कनेक्शन दिलाया है और पूरे देश के अंदर मोदी जी के नेतृत्व में 4 करोड़ परिवारों को विद्युत के निःशुल्क कनेक्शन उपलब्ध करवाने के कार्य हुए, 9.5 करोड़ परिवारों को शौचालय उपलब्ध कराने का कार्य हुआ, 2.5 करोड़ लोगों को एक एक आवास उपलब्ध कराने का कार्य हुआ। ये कार्य वे कार्य हैं जिन कार्यक्रमों के माध्यम से गरीब के जीवन में व्यापक परिवर्तन होगा। लेकिन उड़ीसा के अंदर मुझे आश्चर्य होता है
कि नवीन बाबू किस प्रकार की सरकार चला रहे हैं। अपने महापुरुषों के प्रति सम्मान का भाव होना चाहिए और पाइक विद्रोह के 200 वर्ष पूरे हुए, लेकिन पाइक विद्रोह की स्मृति को आने वाले समय के लिए जीवंत बनाए रखने के लिए आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी ने भव्य स्मारक बनाने की बात की, लेकिन उड़ीसा की सरकार जमीन ही नहीं देती है। उड़ीसा की सरकार को महापुरुषों के सम्मान से कोई मतलब ही नहीं है। पाइक विद्रोह के हमारे अमर सेनानियों का सम्मान करने के लिए और उनका भव्य स्मारक बनाने के लिए उड़ीसा सरकार के द्वारा जो जमीन नहीं दी गई है, ये देश के स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों का, अमर सपूता का अपमान है और इसके लिए हमें उड़ीसा की नवीन बाबू की सरकार को पूरी तरह उसको पर्दाफाश करना पड़ेगा, उसको बेनकाब करना पड़ेगा कि सरकार किस प्रकार से यहां पर देश के अमर सेनानियों का अपमान कर रही है। हम सबको इस सरकार से पूछना चाहिए, पीडीएस योजना में 1 रुपया चावल देने की बात उड़ीसा की सरकार करती है, यह सच्चाई है कि यह चावल 31 रुपया किलो पड़ता है, लेकिन